नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में। मैं आपके साथ खुशबू खान। और बुलेटिन की शुरुआत में हम सबसे पहले बात करेंगे एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक प्रकरण में एक और आरोपी को एसओजी ने गिरफ्तार किया। जोधपुर जेल से प्रोडक्शन वारंट पर किया गिरफ्तार। ओम प्रकाश उर्फ फौजी को गिरफ्तार किया। आरोपी ने परीक्षा से पहले कई अभ्यर्थियों को पढ़ाया था लीक पेपर। रविवार को गिरफ्तार किए गए रिंकू शर्मा और सुरेश कुमार से हुई पूछताछ के दौरान ओम प्रकाश का नाम आया सामने, जिस पर एसओजी ने जोधपुर जेल में बंद ओम प्रकाश को किया प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार। जेईएन 2021 पेपर लीक प्रकरण में आरोपियों की भूमिका पाई गई संदिग्ध। गिरफ्त में आए तीनों आरोपियों से अलग अलग पेपर लीक प्रकरणों को लेकर पूछताछ जारी। और ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। लगातार मामले में कार्रवाई हो रही है, एक के बाद एक देखने को मिल रहा है एक्शन। आरोपी की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। एक और आरोपी को एसओजी ने गिरफ्तार किया है। वो आरोपी जो आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रहा है ओम प्रकाश उर्फ फौजी है, जो पुलिस की गिरफ्त में है, जो एसओजी की गिरफ्त में है। आरोपी की तस्वीर आप देखिए। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी विनय पंत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। विनय, लगातार एसओजी का जो है कार्रवाई का दायरा बढ़ता जा रहा है। एक और आरोपी एसओजी की गिरफ्त में, क्या जानकारी? जी बिल्कुल खुशबू, देखिए एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक प्रकरण में एक और आरोपी को एसओजी ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा जोधपुर जेल से प्रोडक्शन वारंट पर ओम प्रकाश उर्फ फौजी को गिरफ्तार करके जयपुर लाया गया, जिससे पूछताछ की जा रही है। आरोपी ने परीक्षा से पहले कई अभ्यर्थियों को जो लीक पेपर है वो पढ़ाया था, और प्रकरण में रविवार को भी रिंकू शर्मा और सुरेश कुमार को गिरफ्तार किया गया था। उनसे जब पूछताछ हुई तो उसमें ओम प्रकाश का नाम सामने आया, जिस पर एसओजी ने जोधपुर जेल में बंद ओम प्रकाश को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है। वहीं ये बात भी पूछताछ में सामने आई है कि जेईएन भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक प्रकरण में भी इन आरोपियों की भूमिका संदिग्ध है, और इन तीनों ने मिलकर कई जो पेपर हैं वो लीक किए हैं और कई अभ्यर्थियों को लीक पेपर पढ़ाने और उनको पेपर उपलब्ध कराने का काम किया है। अब तीनों से पूछताछ की जा रही है, जिसमें कई बड़े खुलासे होने की संभावना है। जी बिल्कुल ठीक है, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।